Hey guys, welcome back to a new video of GTA 5 Android Mode. Guys, basically आज की ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया था कि हम GTA 5 के इस वाले मोड को जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं एंड किस तरीके से और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जिसको यूज़ करते हुए हम इस गेम का मज़ा और भी ज़्यादा ले सकते हैं. ठीक है, तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं इसकी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको अंदर आप और क्या क्या चीज़ें को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो. लाइक कैरेक्टर चेंज करना हो तो वो कर सकते हो, गन सेलेक्टर को ओपन करना है तो वो ओपन कर सकते हो. उसके बाद में आपको और काफ़ी ऐसी चीज़ें इस मोडपैक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि ये जो मोडपैक है पूरा GTA 5 बेस्ड है, तो इसके अंदर सबकी सब चीज़ें GTA 5 की ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है. ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मेरे को आज बना देनी ही चाहिए. तो फाइनली गाइज ये वीडियो आज अपलोड हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा ट्यूटोरियल इस मोड का, पूरा का पूरा कितने यूजेस है इस मोड पैक के, तो वो सब कुछ मैं आपको आज की इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. तो जिन लोगों को नहीं पता कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं तो इस वीडियो को पूरी देखते रहो क्योंकि इस मोड पैक के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ आगे. ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. आपको पहला स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है, तो लेट्स गो. तो गाइस अब जो पहला स्टेप आपका आता है वो आता है कि आप अपने गेम के अंदर कैरेक्टर को किस तरीके से चेंज कर पाओगे. ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी गेम के अंदर कैरेक्टर को किस तरीके से चेंज कर सकते हो. तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है ऊपर मैप के पास में ऑप्शन मिल जाएगा पावर का ऑप्शन. ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. उसके बाद में आपको यहाँ पे आप यहाँ पे एजेस पे देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट पे आपको एरो का एक आइकन दिख रहा होगा. ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में अपना कैरेक्टर यहाँ पे स्विच कर पाओगे. ठीक है, अब प्रॉपरली स्विच करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप सपोज करो कि मेरे को बनना है माइकल. ठीक है, तो मैं माइकल पे यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले जाता हूँ. उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जंप के ऑप्शन पे. ठीक है, ये जंप का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन हैज यू कैन सी आपका जो कैरेक्टर है वो स्विच हो चुका है. उसके बाद में आपका जो कैरेक्टर है वो माइकल में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस. ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि आपका जो कैरेक्टर है वो माइकल के अंदर स्विच हो चुका है. ठीक है, एंड इतना ही नहीं आप माइकल की एबिलिटी भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो. सी यहाँ पे आप देखोगे तो माइकल की जो स्लो मोशन वाली एबिलिटी है वो भी आप यूज़ करते हो. सेम फ्रैंकलिंग में भी होती है, तो मैं आपको अगेन फ्रैंकलिंग में करके दिखा देता हूँ. देखो मैंने एरो सिलेक्शन ले गया फ्रैंकलिंग पे, उसके बाद मैंने जंप किया, देन आप यहाँ पे देखोगे तो जो है मेरा कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हो चुका है. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अपना ट्रेवर, तो ट्रेवर को भी मैं यहाँ पे जंप का बटन दबा करके सिलेक्शन पे सेट करिए, उसके बाद में मैं ट्रेवर को भी यहाँ पर जो है चेंज कर सकता हूँ गाइस. ठीक है, आपने देख लिया है कि मैं किस तरीके से जो है कैरेक्टर को अपने गेम के अंदर चेंज कर सकता हूँ. तो यह एक स्टेप है जिसकी वजह से आप गेम के अंदर जो है कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो. अब गाइस जो इशू आता है लोगों को वो ये आता है कि वो मुझे बोलते हैं कि हम जो है हम वेपन सेलेक्टर को किस तरीके से ओपन करें. ठीक है, वेपन किस तरीके से चेंज करें, किस तरीके से सेलेक्ट करें. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मनी की जगह हम पहले गन चेंज करते थे. ठीक है, अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब ये जो मोड है वो पूरा मॉडिफाइड है, दैट्स व्हाई. तो आपको गन चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऊपर मैप के पास में गन का ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो मेन्यू होगा वो गैस फाइनली ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ से जो है वेपन सेलेक्ट कर सकते हो. किसकी वजह से, आप अपनी जॉयस्टिक की वजह से आप अपनी कोई वेपन को जो है सेलेक्ट कर सकते हो गाइस. ठीक है, एंड यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना एरो के, इनसे आप गन को चेंज कर सकते हो जैसे कि GTA 5 के अंदर होता है. तो बेसिकली पूरा GTA 5 का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे इस मोड पे के अंदर मिलने वाला है. और जिन लोगों ने इस मोड पे को डाउनलोड नहीं किया है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, जल्दी से जाओ एंड वहाँ से डाउनलोड कर लो गाइस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं गन चेंज कर सकता हूँ, मशीन गन ले सकता हूँ एंड यहाँ पे GTA 5 के सारी गन्स के आइकन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये गन वाली भी, यहाँ से आप गन चेंज कर सकते हो. जो भी आपकी मर्जी है, जो चेंज करना चाहते हो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो. AWM यहाँ पे सेम GTA 5 की आपको गन के आइकन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. यहाँ पे जंप के बटन पे क्लिक करते ही आपके हाथ में जो गन है वो यहाँ पे आ जाएगी. सी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो K98 है ये किस तरीके से शो हो रही है और बहुत ओपी लग रही है एंड यहाँ से आप किसी को भी यहाँ पे शूट कर सकते हो. ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी गन्स की बात. ठीक है,
अब आती है आपके फ़ोन की बात, ठीक है। अब काफ़ी लोगों का फ़ोन भी ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ कि फ़ोन किस तरीके से ओपन करना है। तो फ़ोन का ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे मैप के पास आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, फ़ोन का आइकन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो फ़ोन है ओपन हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फ़ोन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में इसको चलाना कैसे है, उसके बाद में इसको चलाने के लिए आपको जो है नीचे प्लस माइनस का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ प्लस माइनस का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसका आपको यूज़ करने का, ठीक है। उसका यूज़ करते करते आप देखो, पहले तो आप टच स्क्रीन से ऐप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टच स्क्रीन से चाहो तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं ओपन नहीं कर पा रहा, तो ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने कैमरा के बटन पर क्लिक किया, उसके बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करो, आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। बैक आने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, बैक करने के लिए। और कैमरा अगर आपको बंद करना है तो सेट का बटन दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो, एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस के बटन पे क्लिक करो, आप कैमरा के ऐप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लाइक ब्राउजर में जाना है तो आप ब्राउजर ओपन कर सकते हो, जो ओपन करना चाहते हो वो यहाँ से ओपन कर सकते हो गाइस, ठीक है। गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ, काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि क्रैश हो रहा है गेम, ठीक है। तो क्रैश का यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो क्रैश का जो सॉल्यूशन है वो आपका ये है कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक अपनी गेम में नहीं लाना है। सपोज़ आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो यहाँ से आप मैप के बटन पे क्लिक करके सेटिंग में जाके डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के आप जो है अपने रेजोल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा गेम लैग हो रहा है तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको कम करने के बाद में विजुअल इफेक्ट जो होगा ना उसको भी यहाँ पे एकदम लो पे कर देना, ठीक है। और शेडोज जो होगी उन सबको ऑफ कर देना, कार रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपका जो गेम है वो बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आपके जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़े कम हो जाएंगे गेम की, आपको अच्छे से जो है रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएंगे, शेडोज आपको अच्छे से नजर नहीं आएगी, लेकिन आपका गेम अच्छे से चलेगा और गेम आपका क्रैश भी नहीं होगा, ठीक है। और एक बात कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा गेम क्रैश होता है, या फिर हम जैसे ड्राइविंग करते हैं हमारा गेम क्रैश होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो, ये जो मोडपैक है बहुत ही ज़्यादा हैवी मोडपैक है, ठीक है। तो अगर आप इसमें ड्राइविंग करती हो या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के साथ गेम को खेलते हो, बहुत हैवी ड्राइविंग करते हो, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो या फिर कुछ और चीज़ें करते हो, तो देखो गेम क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गेम का जो ये वाला मोडपैक है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, आपको पता होगा। एंड क्रैश तो देखो GT सेवन एंड्रियास के हर एक मोड में कहीं ना कहीं पे होते ही है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे लाइक जो चेट्स है, अगर मैं चेट्स के ऑप्शन को भी ओपन करता हूँ तो चेट्स का भी ऑप्शन में कुछ कोई ऐसी स्क्रिप्ट्स होती है जो आपका गेम क्रैश कर देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि देखो, गेम तो क्रैश होता ही है, अगर आप अच्छे से गेम को खेलोगे, अच्छे से ट्रैफिक ज़्यादा ऐड नहीं करोगे अपनी गेम में, तो आपका जो गेम है वो क्रैश नहीं होने वाला। आपका जो मोडपैक होगा वो बहुत अच्छे से चलने वाला है और कोई दिक्कत नहीं देने वाला। तो बहुत ही बढ़िया मोडपैक है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दैट्स वाई कि मैं इसका हाउ टू यूज़ वाला पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे स्काई बॉक्स आप देख रहे हो तो बहुत ओपी लग रहा है, लो सेटिंग्स पे भी जो स्काई बॉक्स क्वालिटी दे रहा है बहुत ओपी दे रहा है, 4K स्काई बॉक्स जो कि बहुत ओपी लग रहा है, इस मोड के पैक के अंदर बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, बिल्कुल लो सेटिंग मैंने कर रखी है। एंड अगर आप हाई सेटिंग पे रखे गेम को खेलते हो तो बहुत ही अच्छा लगने वाला ही है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की GTA 5 की हाउ टू यूज़ वाली वीडियो, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, समझ आया, अच्छी लगी, एंड क्या आपको प्रॉब्लम और है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई हैंड टू हैंड प्रोवाइड करूंगा। ऑल्सो अगर आपको मेरे से कनेक्ट रहना है, मेरे से बात करनी है पर्सनली, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंस्टाग्राम का, साथ में डिस्कॉर्ड पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, सभी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स जो है फेसबुक ट्विटर के उनके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर के मेरे को मैसेज कर सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, दैट्स वाई कि मैं वीडियो को और लंबी नहीं ले जाना चाहता, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन देना आगे की वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड बाय।